Hello everyone, in this video you will get to know about XML. XML stands for Extensible Markup Language. It is a markup language that we can use to create our own text. XML क्या है? एक markup language है. Markup language इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर text के साथ special symbols का use किया जाता है, tags का use किया जाता है, okay? और XML का use आप किस लिए करते हो? आप खुद के टैग्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हो. जैसे HTML में क्या होता है, आपको प्री डिफाइंड टैग्स मिलते हैं. फाइन, आपको वो प्री डिफाइंड टैग्स को ही यूज़ करना होता है. बट XML हैज़ नो लिमिटेशन. आप XML में आप अपने खुद के टैग्स क्रिएट करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. फाइन, इट वॉज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ HTML. तो XML को क्रिएट किया था W3C ने, जो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड वेब को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो वर्ल्ड वाइड वेब को ऑर्गेनाइज करती है, उसका पूरा देखरेख करती है, राइट? तो XML को W3C ने क्रिएट किया था किस किस लिए? HTML की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए. जो लिमिटेशंस फेस कर रहे थे, जो डिसएडवांटेज HTML के साथ फेस किए जा रहे थे, उस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए. फाइन, XML इज अ मेटा लैंग्वेज. A meta language is a language that is used to define other language. So XML क्या है? एक meta language है, एक basic language है जिसका use किया जाता है दूसरी languages को define करने के लिए, दूसरी languages को create करने के लिए. तो ये meta language क्यों है? इसके अंदर आप according to your need अपने खुद के text create करते हो, right? जब आप खुद के text create करते हो तो आप अपने according आप अपनी खुद की language create कर सकते हो, आप अपनी खुद की markup language create कर सकते हो. Fine. XML allows us to create our own self-descriptive text. ठीक है, XML आपको क्या अलाउ करती है कि आप अपने खुद के सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्रिएट कर सको. सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट कौन से होते हैं? जो खुद बताते हैं कि उनका यूज़ क्या है, अब जो अपने आप को खुद डिस्क्राइब करते हैं. और लैंग्वेज, आप खुद की लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो डैट सूट्स योर एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन को सूट करे. ओके, XML इज डिज़ाइंड टू डिस्क्राइब डेटा एंड टू फोकस ऑन वॉट डेटा इज. XML को किस लिए डिज़ाइन किया गया है? जिससे कि वो डिस्क्राइब कर सके कि जो वो डेटा कैरी कर रही है वो डेटा क्या है. फाइन, और इसका फोकस किस पे होता है कि जो भी डेटा इसने स्टोर किया है वो डेटा क्या है, राइट? फाइन, जैसे HTML का जो डिज़ाइन किया गया था, HTML को वो क्या करता था, क्या वो दिखाता था कि डेटा कैसे डिस्प्ले होगा, ओके? लेकिन XML क्या शो करता है कि क्या डेटा उसने स्टोर किया है, ओके? फाइन, सो इट डिस्क्राइब्स द डेटा. XML इज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा. XML का डिज़ाइन किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर एप्लीकेशन, नॉट टू डिस्प्ले डेटा. ये डेटा को डिस्प्ले नहीं करता. फाइन, ये डेटा को स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, डेटा को डिस्क्राइब करता है, ओके? XML stores information in a plain text format. XML plain text format में अपनी information को store करता है. So it is not blocked by any firewall. इसलिए कोई भी firewall उसको block नहीं करती है. Fine. It allows to exchange data between the heterogeneous system. XML files को आप heterogeneous system means different systems पे exchange कर सकते हो. Means उनको transfer कर सकते हो. Fine. Now we have difference between HTML and XML. HTML is used to display data and focuses on how data looks. HTML का क्या use है? ये data को display करता है, okay? And बताता है कि data display होने के बाद कैसा दिखेगा, राइट? XML इज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल. XML जो लैंग्वेज है वो किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है. एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा. XML की हेल्प से आप डेटा को ट्रांसपोर्ट करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो. इट फोकसेस ऑन व्हाट डेटा इज. ये इसका कंप्लीट फोकस डेटा के ऊपर होता है कि डेटा क्या है. फाइन, किस टाइप का डेटा है. इसका फोकस इस पर नहीं होता कि डेटा कैसे डिस्प्ले करेगा. फाइन, Now HTML. HTML is a markup language itself. HTML क्या है? एक markup language है, text वाली language है, okay? जिसमें text के साथ symbols का use किया जाता है, text का use किया जाता है. XML provides a framework to define markup languages. XML क्या provide करता है? एक basic structure provide करता है दूसरी markup languages को create करने का. Fine.
HTML is not case sensitive. HTML case sensitive नहीं है, but XML is case sensitive. इसके अंदर आपको जो भी टैग्स आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको उनके केस का ध्यान रखना पड़ता है कि अपर लेटर में है या लोअर लेटर में है. लाइक दिस HTML has its own predefined tags. HTML में predefined tags हैं, आप उन्हीं tags को use करते हो, आप खुद के tags create नहीं कर सकते. But in XML we can define tags according to our need. But XML में आप अपनी need के according tags create कर सकते हो, define कर सकते हो, right? In HTML it is not necessary to use a closing tag. HTML में आप closing tags का use ना भी करो तो भी कोई problem नहीं आएगी. But XML के case में XML makes it mandatory to use a closing tag. XML ये mandatory करता है, ये compulsory करता है कि जो भी tag आपने start किया है आप उसको end करोगे, जो भी आपने open किया है आप उसको close करोगे. Fine. HTML is a static because it is used to display data. HTML क्या है, एक static language है जो data को display करती है. इसमें आप changes नहीं कर सकते, इसमें predefined tags हैं. Fine. XML is a dynamic language because it is used to transport data. XML क्या है, एक dynamic language है, आप इसके अंदर changes कर सकते हो, आप इसके अंदर अपने खुद के tags को create करके add कर सकते हो. और इसका किस लिए use होता है, to transport the data from one device to another. यहाँ पे मैंने लिया एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है. तो ओपन किया है आपने नोटपैड और नोटपैड में आप एक्सएमएल की कोडिंग कर रहे हो. एम्प्लॉय लिस्ट मैंने लिया, ये मेरा क्या है, रूट टैग है, ठीक है. रूट एलिमेंट और रूट टैग, जैसे एचटीएमएल में एचटीएमएल होता है आपका रूट एलिमेंट, और इसमें मैंने लिया सब एलिमेंट्स. एम्प्लॉय वन, फाइन. इसमें आप नेम ले लो, नेम मैंने ले लिया, मान लो नेहा ले लिया. अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, टैग स्मॉल में लिए हैं तो मैं जितने भी टैग्स लूँगी वो स्मॉल में लूँगी. जैसे अगर मान लो एम्प्लॉय लिस्ट मैंने स्मॉल में लिया है तो मैं इसको जब क्लोज करूँगी तो एम्प्लॉय लिस्ट ऐसे ही लेना है. एम्प्लॉय वन मैंने लिया है स्मॉल लेटर्स में, तो ये भी स्मॉल लेटर्स में ही आप डिफाइन करोगे. अगर आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिया होता तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में ही डिफाइन करते. ओके, अब देखो नेम मैंने यहाँ पे टैग लिया है और उसको मैंने क्लोज किया है. ओके, एंड उसका डेटा मैंने लिया है नेहा, देन ई एम पी आई डी मैं ले लेती हूँ 101. ओके, और मैंने यहाँ पे ई एम पी आई डी क्लोज कर दिया. फाइन, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डेजिग्नेशन के लिए डेजिक ले लेते हैं, और मैंने इसको ले लिया पी जी टी, और आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है. ओके, अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय वन को हम क्लोज कर देंगे. एम्प्लॉय वन को क्लोज कर दिया. अब मैं इसके अंदर एक एम्प्लॉय और ले लेती हूँ. ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय टू, राइट. एम्प्लॉय टू ले लिया, इसमें मैंने नेम ले लिया, नेम ले लो आप रोहन. ओके, एंड आपने ले लिया ई एम पी आई डी, एम्प्लॉय आई डी आपका हो गया 102. ओके, एंड देन डेजिग्नेशन आपने ले लिया टी जी टी. ओके, एंड क्लोज कर देंगे. फाइन, अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय टू को भी क्लोज कर दिया. फाइन, और फाइनली हम अपना क्लोज कर देंगे रूट टैग, दैट इज एम्प्लॉय लिस्ट. फाइन, अब देखो ये एक्सएमएल का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये देखो सिंपली क्या है, इसके अंदर मैंने खुद के टैग्स डिफाइन किए हैं. ओके, और मेरे जो टैग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डेटा कंटेन कर रहे हैं. फाइन, अब आप इसको सेव कर लो, राइट. मैंने इसको डेस्कटॉप पे किस नेम से कर दिया, मैंने emp.xml दे दिया सेव. फाइन, सेव कर दिया है इसको. नाउ इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है. अब नाउ आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ सो यू कैन सी इट इजिली.
ओके तो ये आपकी एक्सएमएल की फाइल आ गई है, फाइन। तो देखो एक्सएमएल की फाइल क्या है, डेटा को डिस्प्ले नहीं कर रही है, ये डेटा को स्टोर कर रही है, फाइन। इट इज़ कैरिंग द डेटा एंड यू कैन ट्रांसमिट दैट फाइल फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर। आप इसको इजिली इस फाइल को ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।